सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर के कथन 28वां कथन। जब मैं सीयोन से आया, सभी चीजों ने मेरी प्रतीक्षा की, और जब मैं वापस सीयोन गया, सभी मनुष्यों ने मेरा अभिवादन किया। जब मैं आया और गया, मेरे कदमों को उन चीजों के द्वारा कभी बाधित नहीं किया गया जो मुझसे शत्रुता रखती थी, और इसलिए मेरा कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ता गया। आज जब मैं समस्त जीवधारियों के मध्य आता हूं, तो समस्त वस्तुएं शांति से मेरा अभिवादन करती हैं, इस बात का अत्यंत भय रखते हुए कि मैं एक बार फिर से चला जाऊंगा और उनका सहारा हटा दूंगा। सभी चीजें मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करती हैं, और सभी मेरे हाथ के दिशा निर्देश की ओर देखती हैं। मेरे मुंह से निकले हुए वचनों ने बहुत से जीवधारियों को सिद्ध किया है, और बहुत से अनाज्ञाकारी पुत्रों को दंड दिया है। इस प्रकार सभी मनुष्य मेरे वचनों की ओर आशय से देखते हैं, और मेरे मुंह से निकले हुए वचनों को ध्यान से सुनते हैं, और गंभीरता पूर्वक डरे हुए हैं कि कहीं इस अच्छे अवसर को खो ना दें। इसी कारण मैं लगातार बोलता रहा, ताकि मेरा कार्य और भी तेजी से किया जा सके, ताकि संतुष्टिदायक परिस्थितियां पृथ्वी पर जल्दी से प्रकट हो सकें, और पृथ्वी पर वीरानी के दृश्य को ठीक कर सकें। जब मैं आकाश की ओर देखता हूं, तब एक बार फिर से मानव जाति की ओर मुड़ता हूं। सारी भूमि एकदम जीवन से भर जाती है, हवा में धूल बनी नहीं रहती, और अब दलदल भूमि को नहीं ढकता है। मेरी आंखें तुरंत ही चमक जाती हैं, जिससे सारी धरती के लोग मेरी ओर निहारते हैं और शरण पाते हैं। आज संसार के लोगों के मध्य, जिनमें वे भी शामिल हैं जो मेरे घराने में मौजूद हैं, कौन सच में मुझ में शरण लेता है? कौन अपना हृदय उस कीमत के बदले देता है जो मैंने चुकाई है? कौन कभी मेरे घराने में रहा है? किसने कभी सचमुच में मेरे सामने अपने आप को भेंट चढ़ाया है? जब मैं मनुष्य से अपेक्षाएं करता हूं, तो वह तुरंत अपना छोटा सा भंडार गृह बंद कर देता है। जब मैं मनुष्य को देता हूं, तो वह तुरंत अपना मुंह खोलता है। मेरी धन संपत्ति को गुप्त रूप से लेने के लिए और अपने हृदय में अक्सर कांपता है, इस बात से बहुत भयभीत होते हुए कि मैं उस पर पलट कर वार करूंगा। इसलिए मनुष्य का मुंह आधा खुला और आधा बंद है, और वह उस धन संपत्ति का आनंद उठाने में असमर्थ है जो मैं देता हूं। मैं आसानी से मनुष्य को दोषी नहीं ठहराता, फिर भी वह हमेशा मेरे हाथ को पकड़ता है और मुझसे मांगता है कि मैं उस पर दया करूं। जब मनुष्य मुझसे विनती करता है, केवल तभी मैं उस पर एक बार फिर से दया करता हूं, और मैं उसे अपने मुंह के सबसे कठोर वचन देता हूं, इतना कि वह तुरंत शर्मिंदगी महसूस करता है और मेरी दया को सीधे पाने में असमर्थ होते हुए भी उसके बजाय वह अन्य लोगों को तैयार करता कि वे उसके पास पहुंचाएं। जबकि उसने मेरे सभी वचनों को समझ लिया है, तो मनुष्य की आकृति मेरी इच्छाओं के अनुरूप हो जाती है, और उसकी दलीलें फलीभूत हो जाती हैं, और वे व्यर्थ
या निष्फल नहीं होती हैं। मैं मानव जाति की दलीलों को आशीषित करता हूं जो निष्कपट हैं और दिखावटी नहीं हैं। मैं युगों से बोलता और कार्य करता आया हूं, फिर भी जैसा मैं आज कहता हूं वैसा कथन मनुष्य ने कभी नहीं सुना है, और उसने कभी मेरे प्रताप और न्याय का स्वाद नहीं चखा है। यद्यपि अतीत में संसार के लोगों ने मेरी पौराणिक गाथाओं को सुना है, फिर भी किसी ने मेरी सच में धन संपत्ति की हद की खोज नहीं की है। यद्यपि आज के लोग मेरे मुंह से निकले हुए वचन को सुनते हैं, फिर भी वे इस बात से अनजान रहते हैं कि मेरे मुंह में कितनी भेद की बातें हैं, और इस प्रकार वे इसे एक अक्षय पात्र के रूप में लेते हैं। सभी लोग मेरे मुंह से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, भले ही यह राज्य का भेद हो या स्वर्ग का रहस्य या आत्मिक संसार की गतिविद्या या मानव जाति की मंजिल। सभी मनुष्य ऐसी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए यदि मुझे लोगों को इकट्ठा करना पड़े और उन्हें कहानियां सुनाऊं तो वे तुरंत ही मेरे तरीकों को सुनने के लिए अपनी बीमारी के बिस्तर पर से उठ खड़े होंगे। मनुष्य में अत्यंत कमी है, उसे सिर्फ पोषक तत्वों की ही आवश्यकता नहीं परंतु उससे कहीं ज्यादा मानसिक सहारे और आत्मिक आपूर्ति की आवश्यकता है। सभी लोगों में इसी की कमी है, यह सभी मनुष्यों की बीमारी है। मैं क्रम में मनुष्य की बीमारी का इलाज प्रदान करता हूं जिससे अच्छे प्रभावों को प्राप्त किया जा सके, सभी फिर से स्वस्थ हो जाएं और मेरे इलाज की बदौलत सामान्य अवस्था में वापस लौट सकें। क्या तुम लोग सच में विशाल लाल अजगर से घृणा करते हो? क्या तुम सच में निष्ठा से घृणा करते हो? मैंने तुम लोगों से इतनी बार क्यों पूछा है? मैं तुमसे यह प्रश्न बार बार क्यों पूछता हूं? तुम सबके हृदय में उस विशाल लाल अजगर की क्या आकृति है? क्या उसे वास्तव में हटा दिया गया है? क्या तुम लोग सचमुच में उसे अपना पिता नहीं मानते हो? सभी लोगों को मेरे प्रश्नों में मेरे अभिप्राय को जानना चाहिए। यह लोगों के क्रोध को भड़काने के लिए नहीं है, ना ही मनुष्यों के मध्य विद्रोह को उत्तेजित करने के लिए है, ना ही इसलिए कि मनुष्य अपना मार्ग स्वयं ढूंढ सके, परंतु यह लोगों को अनुमति देना है कि वे अपने आप को उस बड़े लाल अजगर से छुड़ा लें। फिर भी किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मेरे वचनों के द्वारा पूरा हो जाएगा। चाहे कोई मनुष्य भागी ना हो और ना कोई मनुष्य वह काम कर सकता है जिसे मैं करूंगा, मैं सारी भूमि की हवा पोंछ के स्वच्छ करूंगा और पृथ्वी पर से दुष्ट आत्माओं का पूर्ण रूप से नाश कर दूंगा। मैं पहले से ही शुरू कर चुका हूं और अपनी ताड़ना कार्य के पहले कदम को उस विशाल लाल अजगर के निवास स्थान में आरंभ करूंगा। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मेरी ताड़ना पूरे ब्रह्मांड के ऊपर आ गई है, और वह विशाल लाल अजगर और सभी प्रकार की अशुद्ध आत्माएं मेरी ताड़ना से बच पाने में सामर्थ्य नहीं होंगे, क्योंकि मैं समूची भूमि पर निगाह रखता हूं। जब मेरा कार्य पृथ्वी पर पूरा हो जाएगा, अर्थात जब न्याय का युग समाप्त होगा, मैं औपचारिक रूप से उस विशाल लाल अजगर को ताड़ना दूंगा।
मेरे लोग उस विशाल लाल अजगर की न्यायपरायण ताड़ना को देखेंगे। वे मेरी धार्मिकता के कारण अपनी स्तुति को उंडेल देंगे और मेरी धार्मिकता के कारण सदा सर्वदा मेरे पवित्र नाम की बड़ाई करते रहेंगे। अब से तुम लोग अपने कर्तव्यों को औपचारिक तौर पर निभा पाओगे और सारी धरती पर औपचारिक तौर पर मेरी स्तुति करोगे हमेशा हमेशा के लिए। जब न्याय का युग अपने शिखर पर पहुंचेगा तो मैं अपने कार्य को पूर्ण करने में जल्दबाजी नहीं करूंगा, किंतु उसमें ताड़ना के युग के प्रमाण को जोड़ूंगा और अपने सभी लोगों को इस प्रमाण को देखने की अनुमति दूंगा और इससे अत्यधिक फल उत्पन्न होंगे। यह प्रमाण वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं उस विशाल लाल अजगर को ताड़ना दूंगा और मैं अपने लोगों को अपनी आंखों से उसे देखने दूंगा ताकि वे मेरे स्वभाव को और भी अच्छी तरह से जान सकें। जब उस विशाल लाल अजगर को ताड़ना दी जाती है तब उस समय मेरे लोग मुझ में आनंद करते हैं। उस बड़े लाल अजगर के लोगों को उसके ही विरुद्ध उभारना और विद्रोह करवाना मेरी योजना है और वह तरीका है जिससे मैं अपने लोगों को पूर्ण करता हूं और मेरे सभी लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह एक बड़ा अवसर है। जब चमकता हुआ चांद उगता है शांत रात तत्काल ही बिखर जाती है। यद्यपि चंद्रमा चिथड़ों में है, मनुष्य उमंग में है और रोशनी के नीचे उस सुंदर दृश्य की प्रशंसा करता हुआ शांति से उस चांद की चांदनी में बैठता है, मनुष्य अपनी भावनाओं का बखान नहीं कर सकता है। यह ऐसा है मानो वह अपने विचारों को पीछे अतीत में फेंक देना चाहता है, मानो आगे भविष्य की ओर देखना चाहता है, मानो वह वर्तमान का आनंद उठा रहा है। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरती है और उस आनंददायक हवा में एक अच्छी सी खुशबू व्याप्त जाती है। जैसे ही मंद हवा का झोंका बहना शुरू होता है मनुष्य को उस मनमोहक खुशबू का पता चल जाता है और ऐसा लगता है कि वह उससे मदहोश हो गया है, अपने को जगाने में असमर्थ है। यही वह समय है जब मैं मनुष्य के मध्य में व्यक्तिगत रूप से आता हूं और मनुष्य को तीव्र सुगंध का ऊंचा एहसास मिलता है और इस प्रकार से सभी मनुष्य इस महक के बीच जीवन बिताते हैं। मैं मनुष्य के साथ शांति से हूं, वह मेरे साथ मेल से रहता है, मेरा सम्मान करने में वह विचलित नहीं होता। अब मैं मनुष्य की कमियों को काटता छांटता नहीं हूं, अब मनुष्य के चेहरे पर तनाव नहीं दिखता और ना ही अब मृत्यु संपूर्ण मानव जाति को धमकाती है। आज मैं मनुष्य के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ताड़ना के युग में आगे बढ़ता हूं। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, यानी कि मैं मनुष्यों के मध्य अपनी लाठी से प्रहार करता हूं और मनुष्यों में जो विद्रोही हैं यह उस पर गिरती है। मनुष्य की नजरों में ऐसा दिखाई देता है कि मेरी लाठी में विशेष शक्तियां हैं, यह उन सभी पर आ पड़ती है जो मेरे शत्रु हैं और आसानी से उन्हें छोड़ती नहीं, उन सब पर जो मेरा विरोध करते हैं। यह लाठी अपना निहित कार्य करती है, वे सभी जो मेरे हाथों में हैं वे मेरे मूल इरादों के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और उन्होंने कभी मेरी इच्छाओं की अवहेलना नहीं की है या अपने मूल तत्व को नहीं बदला है। परिणाम स्वरूप
पानी गरजेंगे, पहाड़ गिर जाएंगे, बड़ी बड़ी नदियां विभाजित हो जाएंगी, मनुष्य सदा सर्वदा बदलता रहेगा, सूर्य धुंधला हो जाएगा, चांद अंधकारमय हो जाएगा, मनुष्य के पास शांति से जीने के लिए और अधिक दिन नहीं होंगे, भूमि पर शांति का और अधिक समय नहीं होगा, आकाश फिर दोबारा कभी शांत नहीं रहेगा, ना चुप रहेगा और ना फिर कभी स्थिर बना रहेगा। सभी चीजें नई कर दी जाएंगी और अपने मूल रूप में आ जाएंगी। पृथ्वी पर सारे घर परिवार अलग अलग बिखेर दिए जाएंगे और पृथ्वी पर सारे राष्ट्र अलग अलग कर दिए जाएंगे। पति और पत्नी के बीच पुनर्मिलन के वे दिन चले जाएंगे। माँ और बेटा दोबारा आपस में नहीं मिलेंगे और ना ही पिता और बेटी फिर कभी आपस में मिल पाएंगे। जो कुछ भी पृथ्वी पर पाया जाता है वह मेरे द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। मैं लोगों को अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अवसर नहीं देता, क्योंकि मैं भावना रहित हूं और एक हद तक लोगों की भावनाओं से घृणा करते हुए बड़ा हूं। लोगों के बीच की भावनाओं के कारण ही मुझे एक तरफ कर दिया गया और इस रीति से मैं उनकी नजरों में अन्य बन गया। लोगों के बीच भावनाओं के कारण ही मैं भुला दिया गया। यह मनुष्य की भावनाओं के कारण है कि वह अपने विवेक का चयन करने के लिए इस अवसर को पकड़ लेता है। यह मनुष्य की भावनाओं के कारण है कि वह हमेशा मेरी ताड़नाओं से थकता जाता है। यह मनुष्य की भावनाओं के कारण है कि वह मुझे पक्षपाती और अन्यायी कहता है और कहता है कि जब मैं किसी चीज को करता हूं तो मैं मनुष्य की भावनाओं के प्रति असावधान होता हूं। क्या पृथ्वी पर मेरे भी सगे संबंधी हैं? किसने कभी मेरी तरह मेरे पूरे प्रबंधन की योजना के लिए भोजन या नींद के बारे में ना सोचते हुए दिन रात काम किया है? मनुष्य कैसे परमेश्वर के तुलनीय हो सकता है? वह कैसे परमेश्वर के संयोज्य हो सकता है? कैसे परमेश्वर जो बनाता है उस मनुष्य के जैसा हो सकता है जिसे बनाया गया है? मैं कैसे पृथ्वी पर मनुष्य के साथ हमेशा रह सकता हूं और उसके साथ मिलकर कार्य कर सकता हूं? कौन मेरे हृदय की चिंता करता है? क्या ये मनुष्य की प्रार्थनाएं हैं? मैं मनुष्य के साथ जुड़ने और उसके साथ चलने के लिए एक बार सहमत हो गया था और हां, आज के दिन तक मनुष्य ने मेरी देखभाल और सुरक्षा में जीवन बिताया है। परंतु वह कौन सा दिन है जब मनुष्य मेरी देखभाल से अपने आप को अलग कर सकता है? चाहे मनुष्य ने मेरे हृदय की कभी परवाह नहीं की, कौन बिना प्रकाश के भूमि पर निरंतर रह सकता है? यह केवल मेरी आशीषों के कारण है कि मनुष्य ने आज के दिन तक जीवन बिताया है।